नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर महाराष्ट्र से आ रही है। एकनाथ शिंदे आज अपना शक्ति प्रदर्शन दिखाने वाले हैं, लेकिन इस बीच शरद पवार का बड़ा बयान आया। शरद पवार का जो बयान आया है एकनाथ शिंदे को लेकर, वो बेहद ही हैरान करने वाला है। वो क्या कुछ कह रहे हैं वो मैं आपको बताऊंगा। इससे पहले पूरा मामला क्या है आइए समझा देते हैं। दरअसल महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे ने नई मुख्यमंत्री के रूप में पदभार संभाल लिया है। वहीं बीजेपी भी सत्ता में लौट आई है। विधानसभा में आज फ्लोर टेस्ट का एकनाथ शिंदे सरकार सामना करेगी। ऐसे में एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने दावा करते हुए कहा कि शिंदे सरकार 5-6 महीने में ही चल पाएगी। उन्होंने अपने विधायकों को गाइड करते हुए कहा कि ये सरकार 5-6 महीने चलेगी, इसलिए मध्यावधि चुनाव के लिए तैयार रहें। आगे वो कहते हैं, दरअसल शरद पवार ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि महाराष्ट्र में मध्यावधि चुनाव होने की पूरी संभावना है। शिवसेना के बागी नेता एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली सरकार 5-6 में गिर सकती है। बताया जा रहा है कि शरद पवार ने एनसीपी विधायकों और पार्टी के नेताओं को संबोधित करते हुए ये सब कहा है। अब सवाल है कि शरद पवार के संबोधन में शामिल एक नेता ने बताया कि महाराष्ट्र में नवगठित सरकार अगले 5-6 महीने में गिर सकती है, जिसके लिए हम सभी विधायकों और नेताओं को मध्यावधि चुनाव के लिए तैयार रहने को कहा गया। नेता ने आगे ये भी कहा कि पवार ने ये भी कहा कि शिंदे का समर्थन कर रहे कई बागी विधायक मौजूदा स्थिति में खुश नहीं हैं। विभागों का बंटवारा होने के बाद इन सभी का असंतोष सामने देखने को मिलेगा, जिसका नतीजा सरकार गिरना साबित होगा। अब एक सवाल ये भी है कि इन सब के बीच ठीक है, आरोप प्रत्यारोप तो ठीक है, अपने दावे भी ठीक हैं, क्या शरद पवार मिलने जाएंगे एकनाथ शिंदे से? क्योंकि एकनाथ शिंदे ने जो किया है, देखिए उसमें अगर राजनीतिक एंगल, ज़मीर, तमाम चीज़ों को छोड़ देते, इसमें कोई शक नहीं कि कदम तो बहुत बड़ा उठाया उन्होंने, चाहे जिसके भी इशारे पे उठाया, लेकिन ये फैसला आसान नहीं है। तो इन सब के बीच में देखना होगा कि शरद पवार क्या उनसे मिलेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी खबरों के लिए देखते रहें स्पेन आई न्यूज़। नमस्कार।